yapınca mürekkep söz katını yemezler inayın. Yerçiler dışarıda istirganı. Hazma hakkı tırıbısı. Yerlen kıtağın. Sıstıkada mülüken atıyor. Beşerlik tarzı atıyor. Siz de tutarız. مسلمانوں کے خلاف آج وہ یلغار چلائی ہے اس یلغار کو انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے مشرکوں نے چلائی تھی آج وہ یلغار دین محمد کے اوپر اللہ کے دشمنوں نے یہودیوں نے منونوں نے آج بات پر مسلمانوں کو ادا کیا کہ مسلمانوں آج تمہاری غیرت کو چیک کیا جائے گا آج تمہاری غیرت کو چیک کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے اندر کتنی غیرت ہے یہ ساریا چیک کیا جائے گا لیکن اللہ کی قسم آج میں جماعت اسلامی پہ تمہارے پاس دیتا ہوں کہ سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کا ایک علاج ہے اس کا قتل ہوگا اس سے قتل ہوگی جس نے بھی محمد رسول اللہ کی مشن کے بارے میں بد کلامی کی ہے وہ بچانوی ستکاری کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مطلب جو قتل کر دے جو کہا صرف محمد کی توہین کی تھی آج انشاءاللہ امریکہ کا یہی حال ہوگا انشاءاللہ امریکہ بھی قتل ہوگا امریکہ کے بھی ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تین قریب ہے آخر تعالیٰ الحمد للہ رب اللہ تمام سردن سے جدا سردن سے جدا سردن سے جدا
विधान सभा में हम रहे और इधर की बात कर रहे हैं, उससे पहले तुरंत की बात कर रहे थे। सोचो भरो देखो भरो निशा व्यक्त है तुरंत के इस्लाम धर्म भी अपने काम में कामयाब हो गए हैं। इधर की जमात इस्लामी भी 6-7 साल पहले तक नहीं थी। आप जितनी तेज रफ्तारी के साथ आपको इंकलाब के लिए काम करने की जरूरत है, सब पहले कभी नहीं थी। आज पाकिस्तान के दरवाजे पे इंकलाब दस्तक दे रहा है, लेकिन उस इंकलाब को मुनज़्ज़म आप लोगों ने करना है। वो हम पे अरबी को मानने वाले हो तो जरा सोचो उस अजीम शख्सियत ने कैसे कैसे लोग पैदा किए कि जिन्होंने एक जमाने में इंकलाब पैदा कर दिया। उन्होंने सदीक शेखा सच्चा दोस्त पैदा किया, उन्होंने उमर शेखा अदल पैदा किया, उन्होंने उस्मान गनी जैसा गरीब पैदा किया और उन्होंने अली जैसा तपस्या पैदा किया। और हम सबको भी जरूरत है कि नबी मोहतरम की तालीमात पे अमल करें, अपने आप को निहतम करें, अपने आप को मुतहरक करें, अपने आप को बरकरार करें, ताकि जब हमारे लीडर सैयद मुनव्वर हसन साहब इंकलाब के लिए तब्दीली के लिए हमें कॉल करें तो हम लोग सियालकोट के गलियों और मोहल्लों के अंदर पूरे सियालकोट के अंदर इतने मुनज़्ज़म हो कि जहाँ से लखनऊ की तलाश में लोग निकले और फिर उसकी तब्दीली के लिए वो कहें कि शिकायतें मिली और जमात इस्लामी सियालकोट से कारकुनों ने ये तारीख रकम कर दी है। आज हम मोहम्मद जोरबी की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उस अजीम हस्ती ने कई साल में किस तरह से इंकलाब बर्पा दिया था। और हमें उन तालीमात को पढ़ना चाहिए, उन तालीमात का मुशाहदा करना चाहिए, ताकि जिस तब्दीली की हम बात करते हैं, जिस निज़ाम की हम बात करते हैं, उसके लिए हम अपने आप को मुनज़्ज़म कर सकें। मैं जहाँ पे हुकूमत को एक दफा फिर वार्निंग देता हूँ कि अगर उन्होंने रेमा टेवस जो अली की जसूस था और जिसने यहाँ पे तीन पाकिस्तानियों बैक डोर से कोई ऐसी हरकत की और उसको छोड़ दिया, तो इंशाल्लाह शिकायतें मिली पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी और फिर नौजवान सदर के महल इन लोगों को बना दे सकेंगे, नौजवानियों को अपनी गजरों में जो है ना वो तहकर दे सकेंगी, नौशरी होगी जो सरकार शराबत है वो काम आएगी। हम हुकूमत को ये दौर करवाते हैं आज के दिन हम इनको दोबारा